आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। जो लोग आचार व्यवहार चाल चरित्र से राजा बन गए हो, आधुनिक राजा के रूप में ही जिनका दिमाग काम करता हो, उन्हें गरीब का बेटा यहां होने से परेशानी होनी है। आखिर ये नामदार लोग हैं और ये कामदार लोग हैं। आदरणीय, देखिए कुछ बातें बहुत ही समय पर मुझे कहने का अवसर मिलता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है, इत्तेफाक देखिए कि कोई मैं तो तय करके बैठता नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय सदस्य, राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई, और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मांगते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है, और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी।